पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इस संगठन को जब 2006 में बनाया गया तो कहा गया कि संगठन के जरिए समाज के पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाई जाएगी। लेकिन क्या वाकई समाज के हक में इस संगठन ने आवाज उठाई? जी नहीं, अपने स्थापना के टाइम जो संगठन की तरफ से दावा किया गया था उससे इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, बल्कि इसका असल उद्देश्य तो कैसे भी करके भारत को जलाने का था। इस संगठन की हरकतें ठीक वैसी ही हैं जैसी आईएसआईएस की। सीधे शब्दों में आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत का आईएसआईएस भी कह सकते हैं। ये सब कहने की हमारे पास बहुत सारी वजह हैं। क्या क्या वजह हैं आइए आपको भी बताते हैं। तारीख 19 दिसंबर और साल 2019। सीएए विरोध प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने लखनऊ को हिंसा की आग में जलाने की कोशिश की थी। उस दिन उपद्रवियों ने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि नफासत के साथ सियासत वाले नवाबों के शहर लखनऊ की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। जांच हुई तो लखनऊ की हिंसा में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से 3 कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई से जुड़े हुए निकले। इसके अलावा पुलिस ने यूपी के शामली में 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जिनका कनेक्शन भी पीएफआई से था। यूपी पुलिस और योगी सरकार का ऐसा मानना है कि लखनऊ समेत राज्य के 2 दर्जन जिलों में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। उस साजिश को अंजाम देने में पीएफआई का अहम रोल था। आइए आपको फटाफट कुछ पॉइंट के जरिए बताते हैं कि पीएफआई आखिर है क्या और ये चाहता क्या है। पीएफआई की स्थापना 2006 में हुई। पीएफआई एक उग्र इस्लामिक संगठन है जो मुस्लिमों को उनका हक दिलाने की बात कहता फिरता है। पीएफआई देश के 23 राज्यों में फैला हुआ है और इस संगठन की महिला विंग भी है। झारखंड में तो संगठन की एक्टिविटी के चलते इसको बैन किया गया है। कहा जाता है कि झारखंड सरकार को इसके कुछ सदस्यों के सीरिया में लिंक मिले थे जिसके बाद इसको बैन कर दिया गया था। 2018 में केरल के एर्नाकुलम में एक छात्र की हत्या के बाद वहां भी इसको बैन करने की मांग उठी थी। सीएए विरोध प्रदर्शन के नाम पर यूपी में हिंसा फैलाने में भी पीएफआई पर आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 महीनों में ये संगठन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, काफ़ी तेज़ी से ये फैला है। पुलिस के इनपुट के हिसाब से पीएफआई में सिमी से जुड़े लोग भी एक्टिव हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि भारत से बैन हो चुके आतंकी संगठन सिमी और पीएफआई का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। डिप्टी सीएम इस बात को ऐसे ही नहीं कहे। पुलिस ने जब पीएफआई के मेंबर्स को गिरफ्तार किया तो उनके ठिकानों से झंडे, पर्चे, बैनर, साहित्यिक किताबें, अखबारों की कटिंग और सीएए विरोध से जुड़े पोस्टर भारी मात्रा में बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान पीएफआई से जुड़े नदीम और अशफाक ने माना कि 19 दिसंबर को लखनऊ में उन्होंने सीएए विरोध करने की रणनीति को बनाया था। इसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर भी किया गया था। इससे पहले असम में दिसपुर सचिवालय पर हुए हमले में भी पीएफआई का ही हाथ होने की खबर सामने आ चुकी है। केरल में पीएफआई द्वारा धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की फैक्ट्री चलाने की खबरें भी किसी से छिपी नहीं हैं। एनआईए की रिपोर्ट में केरल की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एनआईए की जांच में ये खुलासा हो चुका है कि पीएफआई के कई मेंबर धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट में शामिल हैं और कुछ आतंकी साजिश में भी पकड़े जा चुके हैं। गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में पीएफआई के सभी मामलों की लिस्ट बनाई गई जिसमें उनके सदस्य शामिल थे। इसके अलावा कुछ उदाहरण आपको हम बता भी देते हैं। पहला केस केरल के इंडुकी ज़िले का है जहां पीएफआई से जुड़े लोगों पर एक प्रोफेसर पर हमला करके उनका हाथ काट देने का आरोप लगा था। शुरुआत में इसकी जांच केरल पुलिस ने की लेकिन बाद में उनकी जांच एनआईए को सौंप दी गई। जांच करने के बाद पीएफआई के 43 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल हुई। बेंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता आर रुद्रेश की हत्या के पीछे भी पीएफआई की भूमिका थी। एनआईए की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि पीएफआई ने फुल प्रूफ प्लानिंग करके दक्षिण भारत के अलग अलग इलाकों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या की साजिशें रची थी। एनआईए की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पीएफआई सुनियोजित तरीके से देश में तालिबानी सोच विकसित करने में लगा हुआ है। पीएफआई ने कुछ सालों के भीतर ही बम बनाने से लेकर हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग हासिल कर ली है। इसके अलावा पीएफआई ने अपना खुफिया तंत्र भी बना लिया है जिससे वो आसपास की जानकारियां इकट्ठा करता रहता है।
नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हुए विरोध प्रदर्शनों की सच्चाई भी सबके सामने अब आ ही चुकी है। जांच में ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि पीएफआई ही शाहीनबाग को फंड करता आ रहा है। हिंसा के वक्त ही पीएफआई के खातों से 120 करोड़ का लेन देन भी हुआ है। ऐसा लगता है जैसे शाहीनबाग से लेकर सीएए हिंसा और फिर दिल्ली दंगा, ये सब कुछ सुनियोजित हो। पहले सरकार विरोधी तत्व और कुछ राजनीतिक दलों ने जानबूझकर इन विरोध प्रदर्शनों को हवा दी और बाद में पीएफआई उस पर खेल गया। हालांकि बाद में पीएफआई के काफी सदस्यों को जेल भी भेजा गया। जिस तरीके से फिलहाल में हुई घटनाओं में इस संगठन का नाम शामिल हुआ है, उससे इस बात में तो कोई शक नहीं रह जाता कि पीएफआई कट्टरपंथ को प्रमोट करने वाला संगठन है। यही वजह है कि यूपी सरकार इसको ना सिर्फ यूपी में बैन करने पर काम कर रही है, बल्कि यूपी के डीजीपी ने पूरे देश में पीएफआई पर बैन की मांग करते हुए गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। सच तो ये है कि टाइम पर कोई भी बड़ा कदम उठाने से सरकारें हिचकती हैं, और जब समस्या बहुत बड़ी बन जाती है तो ही कोई कदम उठाया जाता है। खैर, फिलहाल तो देश कोरोना वायरस से बचने की जुगत भिड़ा रहा है, सरकारें भी उसी में बिजी हैं, लेकिन उम्मीद है कि कोरोना की समाप्ति के बाद देश से इस आतंकी संगठन पर बैन करने की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। देश में अमन शांति स्थापित करने के लिए ये बेहद ज़रूरी भी होगा। बाकी होता क्या है, बस यही बात देखने लायक होगी। वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया।